हेलो, आई एम अंजलि भंडारी फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑफ सेवेंथ, चैप्टर नंबर टू, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, पार्ट 13। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब जब प्रीवियस क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला देखा था, कैसे डेसिमल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, डेसिमल नंबर मतलब आप लोग को पता है ना, पॉइंट्स वाले नंबर, 3.4, 5.4, 2.4 ऐसे नंबर्स। ओके, तो अब उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना हो कोई नंबर से, तो कैसे करना है वो आप लोग को आज मैं सिखाऊंगी। चलो, फर्स्ट टॉपिक उसके अंदर है, पहले हम रीड करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। अब यहाँ डेसिमल नंबर दिया गया है और एक होल नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? एक डेसिमल नंबर एंड एक होल नंबर को क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब उसकी प्रोसेस देखते हैं, कैसे करते हैं। इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर विथ डेसिमल नंबर, देन वी मल्टीप्लाई देम नॉर्मल नंबर, बट डेसिमल प्लेस रिमेन द सेम एज इट वॉज इट ओरिजिनल डेसिमल नंबर। फर्स्ट मैंने क्या बोला, तो इसका मीनिंग ये होता है, यहाँ जो लिखा है आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया, हमें नॉर्मली यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है 5, एक होल नंबर लिया है, 5 एक होल नंबर है। ओके, डेसिमल नंबर मैंने क्या लिया है, 3.5, उसको वी मल्टीप्लाई देम नॉर्मल नंबर। तो नॉर्मली आप लोग को क्या करना है पता है, यहाँ 35 मल्टीप्लाई 5 करो। अभी पॉइंट मत लगाओ, मैं आप लोग को सिखाती हूँ पॉइंट कैसे लगाते हैं। सिंपली ये दोनों नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो। चलो, 5 का क्या होता है, 25, 5 का क्या होता है, 15, प्लस 2 मतलब 17, तो आंसर क्या आया, 175। अब आप लोग को तो डेसिमल नंबर दिया गया है, पॉइंट्स लगाना है, अब आप लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ आप लोग को पॉइंट्स, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स काउंट करने हैं। होल नंबर में तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, बिकॉज वो होल नंबर है। चलो, यहाँ कितने पॉइंट है पीछे से काउंट करो, यहाँ कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट। तो आप लोग को जो आंसर आया हमारा 175, वहाँ पीछे से लास्ट डिजिट से, मतलब पीछे से मतलब लास्ट डिजिट से एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यहाँ 1 छोड़ के यहाँ पॉइंट आएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, 17.5। आंसर क्या आया, 17.5। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोला, हमें जो नंबर दिया गया होता है उसको सिंपली पहले मल्टीप्लाई करो, पॉइंट अभी मत लगाना, सिंपली 5 मल्टीप्लाई 35 करो, तो उसका आंसर क्या आया, 175 आया। अब आप लोग को पॉइंट्स करना है, जो पॉइंट कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से डेसिमल पॉइंट काउंट करना है। चलो, यहाँ एक ही पॉइंट है, तो हमें पीछे से जो हमारा आंसर है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है उसके आगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ यही लिखा है, हियर वी मल्टीप्लाई नंबर 5 एंड 35, नॉर्मल होल नंबर, नॉर्मली हमने मल्टीप्लाई किया, फिर वी पुट डेसिमल एट सेम प्लेस फ्रॉम राइट एज इट वॉज 17.5। राइट साइड से हमें पीछे से पॉइंट लगाना स्टार्ट करना है। तो ये मैंने आप लोग को क्या सिखाया, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। अभी मैं आप लोग को एक ही सम करवा रही हूँ, ये एक्सरसाइज में बहुत सारे सम है, एक होल नंबर दिया गया हो, डेसिमल नंबर दिया गया। चलो, मैंने आप लोग को क्या बोला,
जब भी होल नंबर और डेसिमल नंबर दिया गया होता है, नॉर्मली पहले हमें जो नंबर्स दिया गया उसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, पॉइंट लगाना नहीं है। आंसर आ जाए उसके बाद हमें पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर से हमें काउंट कर लेने हैं। तो यहाँ एक ही पॉइंट है, तो हमें जो आंसर आया हमारे राइट साइड से, मतलब आंसर के राइट साइड से, वो डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देना। क्लियर हाउ टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद होल नंबर, यहाँ खत्म हो रहा है। ये टॉपिक समझ में आ गया? चलो अब हम करते हैं न्यू टॉपिक। चलो अब सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई का ही है। पहले हमने होल नंबर मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर किया, अब हम करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 10, 100 और 1000। हमें कोई डेसिमल नंबर दिया गया, मतलब पॉइंट वाला नंबर 4.5, 3.5, उसको हमें सिंपली किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डेसिमल नंबर को 10 के साथ, डेसिमल नंबर को 100 के साथ, डेसिमल नंबर को 1000 के साथ हमें करना है। चलो पहले हम फर्स्ट करेंगे 10 के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 10, we will transfer decimal point to right by ones place। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ simply आप लोग को क्या करना है, पहले हमें ये दिया गया है 5, 3, 7, पॉइंट लगाना नहीं है अभी, उसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आप लोग को पता है पीछे एक जीरो लग जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोग को क्या बोला, सेकेंड पॉइंट हमें क्या करना है, पॉइंट्स काउंट करने। देखो मैं क्या बता रही हूँ, 5, 37 इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका आंसर आएगा 5370। ओके, अब पॉइंट लगाने की बारी आई तो आप लोग को सिंपली क्या काउंट करना है, पॉइंट। क्वेश्चन में पॉइंट कहा है, 1, 2। ओके, 2, तो आप लोग को जो आंसर आया, आप लोग का जो आंसर आया उसको राइट साइड से पीछे से काउंट करो, 1, 2, यहाँ पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या आया, 53.7। आंसर क्या आया, 53.70 लिखो या 7 लिखो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 53.7। तो ये था हमें मल्टीप्लाई किया 10 से, किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। समझ में आया? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इफ वी मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 100, देन वी विल ट्रांसफर डेसिमल पॉइंट टू राइट बाय 2 प्लेस। मतलब आप लोग को क्या करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5, 3, 7 मल्टीप्लाई 100 से करूंगी तो आंसर क्या आता है, 5, 3, 7, 0, 0। ओके, ऐसा आता है। तो आप लोग को यहाँ से पॉइंट काउंट करो, 1, 2, तो पीछे से 1, 2, तो आंसर क्या आया, 5, 3, 7। आंसर क्या आया, 5, 3, 7। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बताते हैं 1000 के साथ। 1000 के साथ कैसे करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 1000, देन वी विल ट्रांसफर डेसिमल पॉइंट राइट बाय 3 प्लेस। मतलब देखो मैंने इसको 5, 3, 7 को मल्टीप्लाई किया 1000 से तो उसका आंसर क्या आता है, 5, 3, 0, 0, 0, ऐसा आता है। अब पॉइंट काउंट करो, 1, 2, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब पीछे के 2 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो ये 1, ये 1, ये 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। तो आप लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हो 5, 3, 7, 0, तो ये हमारा आंसर है 5, 3, 7, 0। क्लियर, तो ये था, हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, 100 से और 1000 से। आप लोग क्लियर हो गए, जब मैं आप लोग को ज्यादा सम करवाऊंगी तो ये एक्सरसाइज में बहुत सारे सम दिए गए हैं, हम लोग वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, पर पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक के अंदर क्या दिया गया। चलो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का।
हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, दोनों डेसिमल नंबर है, मैंने क्या बोला दोनों डेसिमल नंबर है, टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ अनदर नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई देम नॉर्मल होल नंबर, नॉर्मली हमें उन लोग को मल्टीप्लाई करना है, फिर पुट द डेसिमल एट सच अ प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेस इन अ गिवन डेसिमल नंबर। इसका मीनिंग ये कह रहा है, देखो यहाँ मैंने एक नंबर लिया 3.77 मल्टीप्लाई 2.8, तो आप लोगों को सिंपली पहले तो क्या करना है 377 एंड 28 को मल्टीप्लाई कर लेना है। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, मैंने यहाँ आंसर लिखा ही है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 10556, आंसर क्या आएगा 10556। अब आप लोग को पॉइंट लगाने पड़ेंगे डेसिमल पॉइंट, तो वो कैसे काउंट करने, देखो पहला जो है यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट है 1 2, कितने हैं 2 डेसिमल पॉइंट, यहाँ कितने पॉइंट है डेसिमल पॉइंट 1 है, 2 प्लस 1 कर लेना है काउंट, दोनों को ऐड कर लेना, कितने आते हैं 3 डेसिमल पॉइंट आते, तो आप लोग को जो हमारा आंसर आया तो पीछे से 1 2 3 के आगे यहाँ पॉइंट लगाना है, मतलब हम लोग यहाँ दिखाते हो, देखो 1 ये छोड़ दो 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 10.5556। सिंपली आप लोग को जब भी करना हो तो नॉर्मली आप लोग को मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर हमें पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं, दोनों में पॉइंट्स दिए गए तो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई डिजिट दिया होगा 1.2 और यहाँ कोई डिजिट दिया 1.3, तो 1.2 में कितने डिजिट है 1 डिजिट, 1.3 में कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो हमारा जो आंसर आता है तो वह पीछे से हमें 2 डिजिट लगाना है, क्लियर। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमने किया, फर्स्ट क्या किया हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ होल नंबर, सेकंड क्या किया हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, थर्ड क्या किया हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। तो ये मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ओके क्लियर हो। चलो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फर्स्ट आप लोग को मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया, क्या था मल्टीप्लाई होल नंबर है डेसिमल नंबर, तो यहाँ टोटल कितने सम दिए गए 7 सम, सारे सम होल नंबर एंड डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई वाले सारे सम यहाँ दिए गए हैं, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो गए, मैं आप लोग को 1 बाय 1 सारे सम करवाते हूँ। चलो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट सम 0.2 मल्टीप्लाई 6, ये होल नंबर है ये डेसिमल नंबर है, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। चलो तो मैंने आप लोग को बोला सिंपली पहले हम क्या करेंगे जो नंबर दिया गया हो सिंपली मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या है 2 2 मल्टीप्लाई 6, पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं लेने, मतलब 2 ही लेना है, 2 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है आप लोग को पता है 12, क्या आता है 12, ओके। अब आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप क्या करना है हमें पॉइंट्स काउंट करने हैं, चलो यहाँ कितने पॉइंट है पीछे से काउंट करो तो 1 पॉइंट है 1, ओके। तो हमारा जो आंसर आया उसको राइट साइड से मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 मतलब 2 के यहाँ आएगा, तो हमारा आंसर क्या आया 1.2, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो मैं सेकंड सम करवाती हूँ आप लोग को, सेकंड सम पहले लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 4.6, सॉरी 0.6। चलो फर्स्ट स्टेप सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मतलब के 8 मल्टीप्लाई 46, पॉइंट्स नहीं लगाना है, आप लोग 8 मल्टीप्लाई 46 करोगे, मैंने क्या बोला आप लोग 8 मल्टीप्लाई 46 करोगे
तो आंसर क्या आएगा, 3, 6, 8। आप लोग करके देख लेना, 3, 6, 8 आएगा आंसर। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, फिर से एक बार लिख लो यहाँ, 8 × 4.6, जो अभी ये आंसर है वो लिख लो, 3, 6, 8। चलो पॉइंट काउंट करो, यहाँ कितने पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, 1 पॉइंट। सबको राइट साइड से जो हमारा आंसर है पीछे से एक पॉइंट लगाना है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ आएगा 36.8। हमारा आंसर क्या आया, 36.8। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब उसके अंदर थर्ड पहले लिख लेते हैं, 2.71 × 5। चलो फर्स्ट स्टेप सिंपली मल्टीप्लाई, 2, 7, देखो सिंपली मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट नहीं लाया, 2, 7, 1 मल्टीप्लाई 5 करूंगे तो आंसर आएगा 1, 3, 5, 5। क्लियर, आंसर क्या आएगा, 1, 3, 5, 5। अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया वो लिख लो पहले, 2.71 × 5, और जो अभी हमारा आंसर आया क्या आया, 1, 3, 5, 5। चलो काउंट करो, यहाँ कितने पॉइंट है, 1, 2, ले यहाँ 2 पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग को राइट साइड से पीछे से 2 पॉइंट काटने, तो 1, 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। 13.55 आंसर क्या आया, 13.55। समझ में आ रहा है, चलो फोर्थ वन करते हैं सेम एज, 20.1 × 4। चलो आप लोग करो, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल, 201 × 4 करेंगे, 20 × 4 करोगे आप लोग तो आएगा आंसर 804। आप लोग को मल्टीप्लीकेशन आता है इससे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 804। ओके, चलो अब क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है, 20.1 × 4, और जो हमारा आंसर आया वो लिखो, हमारा आंसर क्या आया, 804। चलो पॉइंट काउंट करो, यहाँ कितने पॉइंट है पीछे से देखो, कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, तो यहाँ से आंसर ने पीछे से 1 पॉइंट काटना है, मतलब 4 के आगे लगेगा, आंसर क्या आया, 80.4। आंसर क्या आया, 80.4। चलो नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वन, 0.05 × 7। तो नॉर्मली क्या करेंगे, 5 × 7 करो, 5 × 7 क्या आता है, 35। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, 0.05 × 7, अभी आंसर क्या आया, 35 लिख लो। चलो पीछे से डिजिट काउंट करो, पीछे से डिजिट काउंट करेंगे, चलो काउंट करो, 1, 2, 2 के आगे यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये रहा, चलो यहाँ भी आप लोग को 2 से राइट साइड से 2 डिजिट के आगे लगाना है, तो 1, 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, और यहाँ लिख लेने का 0, तो आंसर क्या आया, 0.35। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो सिक्स एंड सेवन आप लोग खुद से ट्राई करना, उसमें क्या करना, सिंपली आप लोग 2, 1, 1, 0, 2 × 4 करोगे तो उसका आंसर आएगा 8, 4, 4, 0, 8। फिर क्या करना, पीछे से यह 1 और 2 डिजिट है तो पीछे से 2 पॉइंट काट देना, 1, 2, तो यह आएगा। सेम इसको भी करना, 86 × 2 करना तो उसका आंसर आएगा 172। ओके, तो पीछे से 1, 2, तो 1, 2, तो यहाँ 1.72 आंसर आएगा। आप लोग खुद से ट्राई करना। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ही आप लोग की, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 cm, ब्रेथ इज 3 cm। चलो एक ट्राइंगल रेक्टेंगल दिया गया हुआ है, लेंथ क्या है
5.7 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा 5.7 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो, आप लोग को पता है ना ये लेंथ और ये ब्रेथ, ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर, तो बोथ साइड 3 सेंटीमीटर लिख लेने का। चलो हमें क्या बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आगे भी मैंने आप लोग को करवाया ही होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। चलो लेंथ क्या है 5.7, एक मिनट, 5.7 मल्टीप्लाई 3, ओके क्लियर स्टूडेंट्स। चलो आप लोग को अभी करवा, सिंपली मल्टीप्लाई करना 57 मल्टीप्लाई 3 करना, क्या करना, यहाँ रफ वर्क कर रही हूँ, 57 मल्टीप्लाई 3 करना, तो आंसर आएगा 171। चलो पहले लिख लो 171, चलो पॉइंट पीछे से काउंट करो, यहाँ एक पॉइंट है तो 1 के यहाँ एक पॉइंट लगेगा, तो 17.1। तो दोनों के यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दो तो आपको यहाँ यूनिट्स लगेगा सेंटीमीटर, दो टू टाइम है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लोग को पता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर करेंगे तो क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मैंने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्या है 17.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आप लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल वाला जो टॉपिक करवा रही थी उसके अंदर सेकेंड पॉइंट था क्या था, हाउ टू, देखो दिखाती हूँ ये वाला, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, ओके, तो ये ही रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। चलो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो फर्स्ट हम पहले लिखते हैं, ये रहा फर्स्ट 1.3 मल्टीप्लाई 10 करो, ओके चलो मैंने फर्स्ट स्टेप आप लोग को क्या बोला, सिंपली हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 13 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो आंसर क्या आता है 130। चलो अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो पहले लिख लो, 1.3 मल्टीप्लाई 10 और जो आंसर आया क्या है आंसर 130। चलो पॉइंट कैसे लगाना है क्वेश्चन के अंदर, देखो पॉइंट कहाँ है लास्ट डिजिट, ये रहा 1, कितने पॉइंट 1, तो यहाँ भी पीछे से लगाओ राइट साइड से, ये 1 तो यहाँ लगेगा, तो आंसर क्या आया 13। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो सेम एज सेकेंड करेंगे, पहले लिख लो 36.8 मल्टीप्लाई 10, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, मतलब 368 मल्टीप्लाई 10 करो तो क्या आता है 3680 मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन लिखो पहले 36.8 मल्टीप्लाई 10 लिख लिया, आंसर अभी क्या आया देखो पहले लिख लो 3680। चलो काउंट करो क्वेश्चन के अंदर 1, ये पीछे से देखने का तो 1, तो यहाँ आएगा 0 से पीछे से 1, तो आंसर क्या आया 368। क्लियर हो रहा है, चलो सेकेंड वन करो, सेकेंड किया थर्ड करते हैं 153.7 मल्टीप्लाई 10 करो, ओके तो क्या होगा, पहले 153
1537 मल्टीप्लाई 10 करो तो क्या आता है, सॉरी 15370। अब क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है 153.7 मल्टीप्लाई 10। चलो आंसर क्या है अभी आप लोग का, यहाँ लिखो 15370। चलो पॉइंट काउंट करो पीछे से, यहाँ एक ही पॉइंट पीछे से ही देखना है, तो यहाँ 7 मतलब एक, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। तो आंसर क्या आया हमारा 1537। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो फोर्थ वन आप लोग ट्राई करना, 16807 मल्टीप्लाई 10 करना, उसके बाद दो डिजिट लगाना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का आंसर क्या आएगा वो बता देती हूँ। फोर्थ का आंसर आप लोग का मे बी 16807 आएगा, दो पॉइंट लगाने, देखो 1 और 2, तो यहाँ से भी 1 और 2, तो यहाँ लगेगा, तो ये आप लोग का आंसर होगा 1680.7। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब करते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या दिया गया है, अभी 100 वाला आया, 31.1 मल्टीप्लाई 100, तो कुछ नहीं, सिंपली पहले मल्टीप्लाई करो 311 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आता आंसर, तो क्या आएगा आंसर, मैं यहाँ लिख रही हूँ 31112। ओके चलिए हमारा आंसर आया, पहले क्वेश्चन को लिख लो 31.1 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आता है आंसर 31100। चलो पॉइंट एक ही डिजिट है तो यहाँ लगेगा, पीछे से लगाने का पॉइंट 3110, तो ये हमारा आंसर है फिफ्थ का। चलो सेम है सिक्स करो, पहले लिख लो 1126.1 मल्टीप्लाई 100, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करो 1561 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो क्या आता है आंसर 1561, एक मिनट में नीचे लिखती हूँ कंफ्यूजन होगा नहीं, इज इक्वल टू 156100। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है 156.1 मल्टीप्लाई 100, अभी अब जो आंसर है वो लिखो 156100, कितने पॉइंट लगाने हैं एक ही, तो यहाँ एक, तो यहाँ लगेगा, तो आंसर क्या है हमारा 15610। क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो पहले 3.62 मल्टीप्लाई 100। चलो पहले सिंपली मल्टीप्लाई करो 362 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या है 3620। नीचे ही लिखती हूँ 3620 आया। ओके पहले अभी क्वेश्चन लिख लो, पहले 3.62 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या आया था अभी हमारा 3620। ओके चलो पॉइंट 1, 2 के बाद है, तो यहाँ भी 1, 2 यहाँ लगाओ, तो आंसर क्या बचा हमारा 3, 6, 2, ऐसे लिख सकते। क्लियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट, ये जो है आप लोग खुद से ट्राई करना। एथ वन इसका आंसर आएगा, मैं आंसर ही बता रही हूँ डायरेक्ट 4307, ये आंसर आप लोग ट्राई करना, डेफिनेटली आप लोग को आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, जीरो पॉइंट 5 मल्टीप्लाई 10, कुछ नहीं, 10 वाला था आपको कुछ सिखाया मैंने अभी, 5 मल्टीप्लाई 10 करो, 5 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 50 होता है। चलो क्वेश्चन लिख लो,
क्या है क्वेश्चन, 0.5 मल्टीप्लाई 10, आंसर क्या है अभी मेरा 50। चलो एक ही पॉइंट है तो यहाँ एक पॉइंट लगाओ तो आंसर क्या बचा, जीरो नहीं लिखते तो चलता है तो 5। क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो है आप लोग ट्राई करना, आप लोग को आएगा, दो पॉइंट वाला है, दो पॉइंट है इसका मतलब डर नहीं जाने का पीछे से दो पॉइंट लगाने का। क्लियर, चलो ये करते हैं नेक्स्ट। लिख लिया, चलो 9 मल्टीप्लाई 100 करो तो क्या आता है 900। चलो सिंपली क्वेश्चन लिखो, 0.9 मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या आया मेरा 900। चलो पॉइंट एक ही पॉइंट तो यहाँ एक, तो आंसर क्या आया मेरा 90। लिखो 90। क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं पॉइंट काउंट करके हमें आंसर लिखना है। लास्ट सम 0.03 मल्टीप्लाई 1000। चलो सिंपली पहले 3 मल्टीप्लाई 1000 करो तो क्या आंसर आता है 3000। यहां तक आप लोग क्लियर हो? चलो अब पहला क्वेश्चन लिख लो, 0.03 मल्टीप्लाई 1000 किया मैंने तो आंसर क्या आया 3000। अभी आया, लिख लिया मैंने 3000। अब पॉइंट कहाँ लगाना, 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट है तो सेम है यहाँ भी 1 2 2 के बाद यहाँ लगाओ तो क्या आंसर आया 30। समझ में आया, ये हमने किया सेकेंड में, आप लोग को सिखाया, इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 तो उसके सारे सब मैंने करवा दिए हैं आप लोग को। क्लियर हो? क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। द टू व्हीलर कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या बोला, 1 लीटर में के पेट्रोल के अंदर, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। उसके पास जो 10 लीटर पेट्रोल होगा तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। आप लोग को कितने बार ये इस टाइप के सम करवाए, हमें 1 लीटर का इतना डिस्टेंस तो 10 लीटर हो, लीटर के नीचे लीटर ही लिखने का, 10 लीटर का कितना, समझ में आ रहा है। 1 लीटर का तो 55.3 किलोमीटर होगा तो 10 लीटर का कितना, हमें यही पूछा है कितना किलोमीटर होगा। चलो तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट में, ये लिख लिया हमने, अब हम लिखेंगे 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इट कवर्ड 1 लीटर इज इक्वल टू। चलो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 10 मल्टीप्लाई 55.3 एंड 1 मल्टीप्लाई दिस। चलो 55.3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1, ऐसे कर सकते हैं। चलो आप लोग को तो अभी आता है, अभी ही आप लोग को तो मैंने करवाया जब 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो पहले तो ये ऐसे लिख लेते हैं, वेट आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ क्या बचा 55.3 मल्टीप्लाई 10, इतना बचा। क्लियर स्टूडेंट, चलो पहले तो इतना नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 55.3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5530। यहाँ तक क्लियर? चलो उसके बाद क्या लिखने का, क्वेश्चन लिख लियो, ये रफ वर्क में करना है तो करो, नहीं तो साथ में लिखोगे तो नो प्रॉब्लम। 55.3 मल्टीप्लाई 10, क्या आंसर आया 5530। ओके चलो पॉइंट कहाँ से लगाना है, एक ही पॉइंट है तो पॉइंट पीछे से लगाते हैं तो यहाँ जीरो के बाद यहाँ आएगा तो आंसर क्या आया 553 किलोमीटर
अब आप लोग को स्टेटमेंट लिखना होगा। चलो स्टेटमेंट लिखो, 10 लीटर लीटर्स ऑफ पेट्रोल द टू व्हीलर कवर्ड कवर डिस्टेंस कितना आंसर आया हमारा 553 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के सारे सम यहाँ डेसिमल बाय डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। मैंने आप लोग को थर्ड वन करवाया यही लेक्चर के अंदर। क्या टॉपिक था? डेसिमल बाय डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना। एक बार देख लेते हैं, चलो दिखा देती हूँ आप लोग को। वेट, वेट फ्यू मिनट। ओके, ये रहा हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। तो आप लोग को केयरफुली यहाँ दोनों के डेसिमल नंबर हमें काउंट करने हैं और उसको ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वहाँ वो पॉइंट्स लगाने हैं। यहाँ 3 है तो हमारा जो आंसर आएगा तो पीछे से 3.123 तो यहाँ लगेगा। तो अब हम वो सब करते हैं। चलो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। वेट, ये रहा पहला फर्स्ट लिख लेते हैं। 2.5 × 0.3। चलो फर्स्ट स्टेप हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। 25 × 3 करो तो क्या आता है 75। ओके, पॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करना ऐसा बोला मैंने। तो 25 यहाँ से 2.5 मतलब 25, यहाँ से 0.3 मतलब 3 ही लेना। तो आंसर क्या आया 75। चलो पहले लिख लो 2.5 × 0.3 आंसर क्या आया, सॉरी आंसर क्या आया 75 ऐसे लिखा। चलो पॉइंट काउंट करो, यहाँ एक पॉइंट है यहाँ एक पॉइंट है। 1 + 1 क्या होता है 2, तो 1 2 तो आंसर में यहाँ 2 यहाँ पॉइंट लगेगा 0, तो 0.75 हमारा आंसर है फर्स्ट वन का। क्लियर हो रहा है? चलो सेम है सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर 0.1 × 51.7। चलो अब सिंपली 1 यहाँ से 1 आएगा मल्टीपल यहाँ से 517 तो क्या आता है ये लो, ये तो आपको आता ही है 517 मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्वेश्चन लिख लो फटाफट पहले 2.1 × 51.7 आंसर क्या आया 517। चलो पॉइंट काउंट करो, यहाँ से 1 पॉइंट यहाँ से 1 पॉइंट तो टोटल कितने हैं 2 पॉइंट, तो 1 2 तो यहाँ आएगा 5.17। क्लियर थर्ड वन 0.2 × 3 = 6.8 तो सिंपली पहले 2 यहाँ से 2 यहाँ से 3 1 6 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 3 3 6। आप लोग को मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप लोग करके देख लेना 6 3 3 6। चलो क्वेश्चन लिखो 0.2 × 3 = 6.8 आंसर क्या आया अभी हमारा, ये रहा 6 3 3 6। चलो पॉइंट काउंट करना है, यहाँ से 1 यहाँ से 1 1 + 1 क्या होता है 2
कहाँ लगेगा, 63.36। चलो अब करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। चलो पॉइंट निकाल दो और लिखो तो क्या आता है, यहाँ से 13, यहाँ से 31। 13 मल्टीप्लाई 31 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 403। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 तो आंसर आया मेरा 403। यहाँ पीछे से ऑलवेज पीछे से काउंट करना है पॉइंट, और लगाना भी पीछे से ही है, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 प्लस 1 2, 1 2 तो यहाँ लगेगा 4.03। क्लियर स्टूडेंट। चलो फिफ्थ वन करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। चलो मल्टीप्लाई सिंपली यहाँ से 5, यहाँ से भी 5, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। ओके चलो क्या आंसर आया मेरा, 25। चलो केयरफुली यहाँ से पॉइंट काउंट करो पीछे से, 1 पॉइंट यहाँ से, 1 यहाँ आ रहा है, 2 पॉइंट यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, तो यहाँ 1 2 फिर 0 लगाओ, यहाँ पॉइंट लगा 3 पॉइंट और 0, तो आंसर क्या आया 0.025। ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगाओ, 0.0। क्लियर। चलो सिक्स्थ वन, 6th one में क्या है, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। चलो तो यहाँ से क्या आएगा, 112, यहाँ से 15, 112 मल्टीप्लाई 15 करोगे आप लोग तो आंसर आएगा 1680। चलो पहले लिख लो, 112 मल्टीप्लाई 0.1, एक मिनट, 15 इज इक्वल टू क्या आंसर है, 1680। चलो काउंट करो, यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से 1, 2 पॉइंट, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 1 2 3 तो यहाँ पॉइंट लगेगा 1.680, तो ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट करते हैं, लिख लो 1.07 मल्टीप्लाई 0.02 तो क्या आएगा, 1.07 यहाँ से 2 तो मल्टीप्लाई करोगे, 1.07 मल्टीप्लाई 2, 2.14। चलो क्वेश्चन लिख लो पहले, 1.07 मल्टीप्लाई 0.02 तो क्या आंसर आएगा, 214। स्टूडेंट्स यहाँ केयरफुली, यहाँ कितने पॉइंट है, 1 2 पॉइंट, यहाँ कितने हैं, 1 2 पॉइंट, 2 प्लस 2 क्या होता है, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो यहाँ 1 2 3 4.0 ऐसे ही लिखना है, 0.0214 ये हमारा आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट जो है, एथ वन, नाइन एंड टेन आप लोग होमवर्क में करना, इसका सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में डाला ही है, बट आप लोग खुद से ट्राई करना, आप लोग को डेफिनेटली ये समय आएगा। ओके अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सरसाइज 2.6 कि हमने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी उसके रिलेटेड एग्जांपल बाकी है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। चलो अब हम वो कर लेते हैं। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटर ट्राइंगल। तो उसकी साइड हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर का फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई, ये तीन साइड्स इक्वल है, मतलब 3 मल्टीप्लाई साइड्स, तीन साइड्स है 1, 2, 3, तो उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर, मतलब ये बाउंड्री। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई साइड, चलो लिख लो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड। चलो अब हम लिखते हैं 3 साइड्स हमारी क्या है, 3.5। चलो आप लोग को सीखा है पहले क्या करने का, 3 मल्टीप्लाई 35 करो, 3 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो क्या आएगा 105। फिर हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन को लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई 3.5। चलो आंसर क्या आया 105। चलो पॉइंट काउंट करो पीछे से, एक ही पॉइंट है, तो यहां से 10.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का आंसर क्या आया 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को मैंने करवाया है ये टाइप का एक्सरसाइज में। हमें क्या दिया गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया फाइंड करना है। ओके, एरिया का फॉर्मूला, एरिया फाइंड करना है आप लोग को, क्लियर है ना? चलो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ब्रेथ क्या है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है 7.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आता है, एल मल्टीप्लाई बी। एल हमारा क्या है 7.1, बी क्या है 2.5। 7.1 मल्टीप्लाई 2.5। तो आप लोग को क्या करना है, 71 मल्टीप्लाई 25 करना है, तो क्या आंसर आएगा 1775 आएगा। अब क्वेश्चन लिख लो 7.1 2.5, आंसर क्या है 1775। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट 2.12, तो यहाँ आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 17.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग को बताया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन जो एग्जांपल के सम है खत्म हो रहे हैं।